जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का नौकरी खबर डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक यानी GDS के पदों पर भर्तियों का इंतजार कर रहे सभी उम्मीदवारों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक बार फिर से डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से GDS के पदों पर भर्तियों के कम्प्लीट नोटिफिकेशन आउट किए गए हैं। इस बार जो आपके नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे GDS के ही एडिशनल डिपार्टमेंट यानी IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से देखने को मिलेंगे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अप्लाई करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट हो गए हैं। आपको आवेदन करने के लिए GDS की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाना है, बल्कि IPPB के थ्रू जो लिंक जनरेट हुआ है आवेदन करने के लिए, उस लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन करने की आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2024 की है। इस भर्ती के अंदर भी कोई भी एग्जाम नहीं होगा, लेकिन इस डिपार्टमेंट के पास पूरी तरीके से अथॉरिटी है कि अगर जरूरत पड़ती है तो फिर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आवेदन सीमित मात्रा में प्राप्त होते हैं तो एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अगर आवेदन अनलिमिटेड यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं तो फिर आवेदन के बाद यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाना पड़ेगा। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में ध्यान से देखें, इसके अंदर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम होता है और इस बार तो आपको IPPB की तरफ से 344 ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियों के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। नया नोटिफिकेशन आ चुका है, बस आपको इसको ध्यान से देखना है और अगर एलिजिबल और इंटरेस्टेड है तो आवेदन करना है। 35 साल तक अधिकतम उम्र के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी यानी भारत के किसी भी राज्य से। एग्ज़ाम आपका होना नहीं है। 10-12 डिग्री है तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर से आवेदन करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको आवेदन करने का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया। आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। सबसे पहला काम करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और बैकअप के लिए व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर से ज्वाइन करना है। देखिए, यहाँ पे IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से रिक्वायरमेंट है 2024 के लिए। अधिक जानकारी के लिए naukrikhabar.com पे जा सकते हैं और साथ ही साथ आपके लिए जो नई वेबसाइट बनाई गई है sarkarijob.net, इस पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी में आवेदन करने के जो डेट्स हैं वो क्या हैं। तो 11 अक्टूबर 2024 से लेकर के आप लोग 31 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर पाएंगे, यानी कि आवेदन करने के लिए अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय बचा हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, आप किसी भी स्टेट से आते हो, आप किसी भी कम्युनिटी कास्ट से आते हो, आप किसी भी जेंडर से आते हो, सभी को यहाँ पर ऑलमोस्ट 750 रुपीज़ पे करने होते हैं। बाकी इस बार देखते हैं, कोई बदलाव अगर हुआ होगा तो इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। बाकी जो आपकी उम्र है, अधिकतम जो आपकी उम्र अलाउ की गई है 35 यानी 35 साल तक अलाउ की गई है। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, इस बार यहाँ पर 344 पदों पर भर्तियाँ हैं। एक्सक्यूटिव एस ग्रामीण डाक सेवक, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर पोस्ट रहेगी, एक्सक्यूटिव नाम रहेगा। आगे आपको समझाएंगे, ग्रामीण डाक सेवक के साथ आपका एक्सक्यूटिव जो है तो इनबिल्ट है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी है 10-12 डिग्री या फिर यू कहें कि ग्रेजुएट, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टुडे टॉप जॉब लिस्ट के बारे में बात करें तो आज की नई नौकरियों की जानकारी यहां पर दी गई है। क्लिक करके बटन पर क्लिक करके आप लोग जानकारी को देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। वेतन स्टार्टिंग का यहाँ पे यानी सैलरी आपको जो मिलेगी वो 30,000 रुपये तक मिलेगी और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा बिना किसी एग्ज़ाम के आपकी मेरिट बनेगी। जो भी आपने 10-12 ग्रेजुएट में नंबर्स हासिल किए उसके बेसिस पे इंटरव्यू में भी हो सकता, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होना है। हाउ टू फिल, कैसे आप लोग आवेदन करेंगे इसके बारे में जानकारी है। इसके बाद आपको आ जाना है इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन पे। यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। अभी आपको डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने जो क्लिकर की बटन है इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, डाउनलोड की बटन आई, हमने अपने PDF को डाउनलोड कर लिया। अब इस PDF के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का नंबर दिया गया है IPPB COHR
इसके बाद यहाँ पे 2024 और 2025 इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू IPPB एज एक्सिक्यूटिव, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ग्रामीण डाक सेवक का जो इंगेजमेंट है वो आया हुआ है डिपार्टमेंट IPPB एज एक्सिक्यूटिव की पोस्ट पर। और अगर आप लोग दूसरे पैराग्राफ पे फोकस करेंगे तो IPPB रिक्वायर्स 344, इसके बाद ग्रामीण डाक सेवक ऑन इंगेजमेंट फ्रॉम DOP यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू परफॉर्म डायरेक्ट सेल्स एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ वेरियस ऑफिसर्स ऑफ द बैंक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, यानी यहाँ पे भी GDS की पोस्ट ही है और यहाँ पर आपको IPPB के अंदर इस बार पोस्टिंग देखने को मिलेगी। द GDS ऑन एंगेजमेंट टू IPPB विल प्ले ए की रोल इन लीड जनरेशन, डायरेक्ट सेल्स कोऑर्डिनेशन एंड जनरेशन ऑफ बिजनेस थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंस अरेंजमेंट बिटवीन DOP एंड IPPB, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और IPPB मिल के यहाँ पे जो है तो काम करेंगे। इसके लिए यहाँ पे GDS की पोस्ट है, इसको आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। सबसे पहले डेट्स के बारे में बात करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन आपके 11-10 से लेकर 31-10 तक चलेंगे, फाइनल सबमिशन भी आपका इसी बीच होगा और एडिट और मॉडिफिकेशन भी आपका इसी बीच होगा, यानी जो भी यहाँ पे प्रोग्राम है, जो भी आपकी यहाँ पे एक्टिविटी है वो इन्हीं डेट्स के अंदर कंडक्ट होने वाली है। तो आपको 11-10 से 31-10 के अंदर आवेदन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे पोस्ट है, यहाँ पे आपकी एक्सिक्यूटिव की पोस्टें हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी है 344 यानी 344 पोस्टें हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन पूल आपका GDS इंगेज्ड विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन 1/9/2024। इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है तो टेंटेटिव हैं, इनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है बैंक के जरूरत के मुताबिक। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज कितनी पोस्टें हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है, सभी स्टेट्स की पोस्टिंग देख सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी हैं, कहीं से भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप लोगों को टोटल पोस्टों पर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी 344 यानी 344 पोस्टें हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिनको आपको ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पर ऑल कैंडिडेट सेल्फ सबमिट देयर प्रेफर्ड बैंकिंग आउटलेट आउट ऑफ द वेरियस लोकेशन मेंशन्ड एट एनेक्सर फर्स्ट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 2 बैंकिंग आउटलेट इन 1 सर्कल स्टेट देयर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैंडिडेट कैंडिडेचर ऑफ द अप्लीकेंट बिल कंसाइडर्ड ऑनली अगेंस्ट द वैकेंसी इन द सर्कल स्टेट फॉर विच ही सी हैज अप्लाइड ऑफ मेरिट बिल बी ड्रॉन सर्कल स्टेट वाइज सेलेक्टेड कैंडिडेट बिल पोस्टेड इन द सर्कल स्टेट अगेंस्ट विच दे हैव अप्लाइड हाउ वेयर द बैंक रिजर्व द राइट टू पोस्ट कैंडिडेट टू एनी इट्स ऑफिस और लोकेशन अक्रॉस इंडिया। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं तो जॉब प्रोफाइल है, यानी जो आपकी एक्सिक्यूटिव की पोस्ट है इसके अंदर आपका काम क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपको काम बताया गया, अचीवमेंट ऑफ मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू डायरेक्ट सेल्स ऑफ बैंक प्रोडक्ट। इसके बाद यहाँ पे आपके और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर देखना चाहते हैं तो एक्सिक्यूटिव की पोस्टें हैं, मैक्स टू मैक 35 की ईयर की आपकी एज है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, एनी डिसिप्लिन रेगुलर होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज GDS की पोस्ट पर। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट भी आपको दिया गया है। देन यहाँ से नीचे आते हैं, पे एंड अलावंस आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पर द बैंक सेल पे ए लमसम अमाउंट 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टैक्स होगा, इसके बाद एनुअल इंक्रीजमेंट भी होगी, इसके अलावा भी आपको कई सारे अलावंस बोनस एक्सेट्रा में देखने को मिलेंगे। टेन्यू और यहाँ पे इंगेजमेंट के बारे में जानकारी है, सिलेक्शन भी देख सकते हैं, सिलेक्शन विल मेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेंड इन द ग्रेजुएशन, यानी आपने जो भी ग्रेजुएशन के अंदर नंबर्स पाए होंगे उसके बेसिस पर आपका जो तो यहाँ पे बनने वाला है मेरिट। इसके अलावा बैंक रिजर्व द राइट टू कंडक्ट ऑनलाइन टेस्ट, यानी बैंक के पास पूरे राइट्स हैं कि वो ऑनलाइन टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवा सकता है। बाकी ये तो आपके नंबर्स पे डिपेंड करेगा, फॉर्म नंबर ऑफ फॉर्म पर। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी कैटेगरी हो 750 यानी 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर आपको देना होगा। देन यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।